आज कितना अच्छा लग रहा है ना सिद्धू भाजी, रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या करने आई हो, तुम्हारी गर्दन कहाँ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज मेरे बोप का राज है। चलिए आज यहाँ पर हम एकदम फ्री हैं, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तो कम ऑन, आर यू रेडी? तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं, वेलकम वेलकम। मैंने तेरे को नीचे हॉस्पिटल की साफ सफाई करने भेजा था, तू वो साफ सफाई कर, समझ आई? मैं बाथरूम में आज ना वो पैंट की धुलाई का फंक्शन रखा हुआ है, मैं उसमें बिजी हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा, सफाई कर। सिद्धू भाजी, ये सफाई वफाई करने का कोई मूड नहीं है मेरा। तो क्या आपको सच बताऊं तो एक्चुअली ये फोर्स टू फिल्म आ रही है, उसकी शूटिंग के दौरान ना जॉन अब्राहम को काफी इंजरीज हो गई थी। तो मैंने आज सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम को यहाँ पर ना चेकअप के लिए बुलाया है। वाह, वो आ भी गए हैं, आप लोग रेडी है तो मैं बुला लूं? बुला बुला यार, रेडी है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा एंड जॉन अब्राहम। खुशकिस्मती है जो आपका दीदार हो गया, आपके आने से पतझड़ भी मौसम बहार हो गया। खैर, खूबसूरती ऐसी कि ताजमहल की मूरत नहीं होती, और आप दोनों के ग्लो से कपिल शर्मा के सेट पे डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती। वेलकम, इसीलिए तो आते हैं हम यहाँ पे। हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम। अरे कपिल, ये क्या हुलिया बना रखा है, आज ज्यादा खा लिया? नहीं, आपको गैस? नो, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश एकदम ठीक है, मैं अच्छी है। मैं एक्चुअली बंपर हूँ, आई एम अ नर्स फ्रॉम 50/50 हॉस्पिटल। लेकिन सोनाक्षी, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, मुझे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ सिद्धू पाजी? जितनी सेल्फीज मैंने नहीं खींची ना, उतने बार जॉन इंजर हो चुके हैं इस फिल्म पर, तो इससे इसका इलाज कराने लाई हूं। हाँ, ओके ओके, आपको बिल्कुल भी चिंता तो चिता करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा चेक कर सकती हूँ एक बार? हाँ, प्लीज। इंजरीज मैं सो जाऊं वहां पे? नहीं, एक बार मैं ऐसे ही, इतनी जल्दी नहीं है। इंजरीज हाँ, काफी इंजरीज हैं। अरे तू इंजरी देख रही है, फील ले रही है? ऐसे चेक करते हैं, घुटनों में हुई थी इंजरी? नहीं, मैं खाली देख रही हूँ कि इंजरीज कहाँ कहाँ हैं। अरे मैं बोल रही हूँ घुटनों में हुई थी, तो आ क्या देख रहे हो तुम? नीचे नीचे और नीचे। अच्छा, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ नहीं भूलूंगी मैं, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन। चलो बस, हो गया। अब ये बस हो गया। आप फोर्स नहीं कर सकती हैं। मैं फोर्स नहीं कर सकती, फोर्स तो मैं कर रही हूँ, मैं फोर्स टू भी कर रही हूँ। अरे सोनाक्षी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है, तुम रॉ एजेंट हो, ट्राई सम हाथापाई। नहीं, शो पे आई थिंक हाथापाई कराने के लिए बुलाते सिद्धू पाजी।
अरे नहीं 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 देखिए देखिए नहीं नहीं ये सब करने की क्या जरूरत है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सीनियर डॉक्टर को भेजती हूँ, डॉक्टर आएंगे वो चेकअप करेंगे, ओके डोंट वरी, ओके ओके डॉक्टर त्रिपाठी मतलब डॉक्टर राठी डॉक्टर पाठी ऐसा ही कुछ नाम है उनका, ऐसा राइमिंग राइमिंग टाइप का, वो बस आते हैं। तुम्हारा इलाज कौन करेगा? नहीं नहीं वो आ रहे हैं डॉक्टर साहब, वो करेंगे मैं। How are you? Thank you. John और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। इतनी शोर में सुनाई नहीं दिया भैया। और जाओ यार मैं नहीं आता, मैं भाई का शो है, मैं आ गई बस। जब से तूने 18 करोड़ इनकम टैक्स भरा ना, तेरा हाल बड़ा बुरा है। ओ वाह। और आप जो 1990 में जीरो पे आउट हुए थे, आप सबको मैं बता दूं कि जॉन और सोनाक्षी की फिल्म आ रही है फोर्स टू। फोर्स में आपने जॉन को एक्शन करते हुए देखा, इस फिल्म में भी एक्शन करेंगे। अच्छा इसका नाम फोर्स टू क्यों है? क्योंकि आप दोनों एक्शन कर रहे हैं इसलिए है, क्या रीजन है? इसमें सोनाक्षी हीरोइन नहीं है, शी इज ऑल्सो द हीरो ऑफ द फिल्म। एक्चुअली फोर्स टू नहीं, फोर्स फोर होना चाहिए था, तीन तो अकेले इधर ही है। तो फिर अब 3.5 होगा। 3.5 मैं आधी हो चुकी हूँ। सोनाक्षी एक बात बताओ, पहले अकीरा अब फोर्स टू, हाँ। हर जगह एक्शन करती नजर आ रही हो, हम क्या समझें कि तुम्हारी जिंदगी में रोमांस कम हो चुका है? देखो उसके पहले भी तो की थी, दबंग की थी, राउडी राठौड़ की थी, सन और सन, सब एक्शन फिल्में तो की थी। मुझे बहुत शौक है एक्शन फिल्में देखना भी और उनका हिस्सा भी। एक्शन ही करो तुम खुद, तुम लड़कों को तो राखी बांध देती हो, तो एक्शन ही करना पड़ेगा ना, फिर रोमांस किधर से होगा? खूबसूरत लड़कों को नहीं बांधती। जॉन तुम्हें राखी बांधी है मैंने? नहीं अब तक तो नहीं। नहीं ना, मेरा एक सवाल मैं सोनाक्षी से पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में ना सोनाक्षी से किसी ने पूछा कि शत्रु सर की अगर बायोपिक बने तो उस रोल में किसको देखना चाहती हैं? सोनाक्षी कहती है रणवीर सिंह को। मुझमें तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता? पिछली बार भी आई थी मैंने यही बोला था, अभी मेरी उम्र क्या हुई है शादी करने की। वैसे ऐसा क्यों बोला था आपने? रणवीर सिंह में आपको क्यों नजर आया कि वो शत्रु सर का बायोपिक कर सकते हैं? अरे भाई अच्छा एक्टर है, पर्सनालिटी है, मस्तीखोर है। मैंने बहुत किस्से सुने पापा की मस्ती के इन हिज हेडे, तो आई थिंक ही शुड प्ले द रोल। एक और लड़का है टीवी पे आजकल शत्रु सर की बड़ी अच्छी कॉपी करता, और तुम्हें नजर नहीं आया जी? और उन्होंने 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 तारीफ भी की है। पिछली बार वॉर्न भी किया था जब मैं जा रही थी कपिल के शो के लिए कि बोल देना थोड़ा हाथ ज्यादा हिलाता है। शत्रु सर आपकी बेटी ने मेरे से ज्यादा हिला दी है, मैं तो इतने हिलाया नहीं कभी। जॉन आपने फोर्स में मोटरसाइकिल उठाई थी पहले जी, अब तो फोर्स टू है, तो इसमें क्या ट्रक उठाने का इरादा आपका? क्या क्या इसमें क्या उठाया आपने? कुछ तो उठाया होगा, हटते तो आप है नहीं। नहीं वो एक गाड़ी उठा दी। उठा दी ना? वेरी गुड। लेकिन वो गाड़ी का जो वेट था ना वो डार्लिंग से कम था वो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स फ्रॉम फ्री टीवी।